गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 5, तो अभी अभी उठा मैं। तो अभी कहाँ जाना है अभी बताऊंगा आपको, पहले मैं होता हूँ रेडी। और भी रॉक्सी सोई रखी है अभी। ये रॉक्सी, उठ जाओ, चलो रेडी होता। सो गाइस, हो चुका हूँ मैं रेडी और रॉक्सी भी हो चुकी है रेडी। चलो रॉक्सी, चलो चलो। सो गाइस, अभी मैं निकल चुका हूँ घर से। तो अभी हम जा रहे हैं चंडाक। तो एक मेरा फ्रेंड है, वो भी मेरे को ज्वाइन करेगा सिल्थाम से। वो भी काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाता है यूट्यूब पे, प्लीज़ आप एक बार देख लेना। मैं नीचे लिंक कर डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और हाँ गाइस, मौसम हो रहा है काफ़ी औसम, क्योंकि कल काफ़ी बारिश हुई है, ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है। तो फिर वीडियो में बने रहें। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलिए, अब करता हूँ मैं रनिंग स्टार्ट। सो गाइज, अभी मैं पहुंच चुका हूँ सिल्थाम, और यहाँ मैं कर रहा हूँ अपने फ्रेंड का वेट। और रनिंग भी कर नहीं पाया मैं, क्योंकि कुत्ते परेशान कर रहे थे मेरे को, नहीं रॉक्सी को। तो फिर फाइनली मैं मिल चुका हूँ अपने फ्रेंड अजय सिंह से, काफ़ी टाइम बाद। काफ़ी अच्छा भी लग रहा है अभी। तो अजय, कुछ बोलना चाहोगे आप मेरे ऑडियंस को? बस गाइस, शिपाल भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा। मेरे को भी अच्छा लगा भाई आपसे मिलके। थोड़ी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है गाइस। सो गाइस, हुआ ये कि मैं वैसे तो मॉर्निंग वॉक मेरे को पसंद नहीं है, मैं स्लीप लवर हूँ। तो मनीष भाई की से मेरे को उन्होंने बताया कि आओ करके, तो मैं आ गया। तो उनको अच्छा लगा, वो काफ़ी अच्छा फील हुआ कि मतलब मॉर्निंग वॉक में एक बार आप रूटीन बन जाता तो आपका, आप उस चीज़ को कंटिन्यू फॉलो करते हो। और यही चीज़ मुझे मोटिवेशन टाइप का हुआ मनीष सिपाल को देख के, कि डेली ब्लॉगिंग कर रहे हैं आजकल भी खबर के बारे में। तो आप लोगों को अगर डेली जुड़े रहना है तो इनके चैनल में, आप लोग तो सही है व्यूअर, तो थोड़ा सही है। ठीक है फिर गाइस, जैसे आप लोग भी खाते हैं, आप लोग भी रूटीन फॉलो कर सकते हो। अभी तो थोड़ी सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो गई है। तो लुक एट द व्यू, ये नीचे वाला एरिया है, ये है रई का पूरा एरिया। यहाँ कुछ, यहाँ पे रई झील बनने वाली थी, बट बन नहीं पाई। काफ़ी अच्छा लगता अगर बन जाती तो। ये उल्का माता का मंदिर, जय उल्का। जय उल्का माता, कोरोना को जल्दी से जल्दी इस दुनिया से भगा दे, और पहले से जैसे लाइफ स्टाइल चल रही थी वैसे ला दे प्लीज़। और ठीक है, फिर मिलते हैं आप। ये एक फीमेल रॉटवाइलर है गाइस, और मैं बोलता रहा हूँ, बाकी डिटेल आपको इनके चैनल में मिल जाएगी, रॉक्सी सिपाल करके। रॉक्सी सिपाल ही है ना सिर्फ वो? अरे चैनल का नाम है पहाड़ी रॉटवीलर। द पहाड़ी रॉटवीलर, बिकॉज इसको पहाड़ से काफी लगा हुआ है, जैसे हमको लगा हुआ है वैसे इसको लगा हुआ है। तो मैंने तभी रख दिया नाम द पहाड़ी रॉटवीलर। और हम रोज जाते हैं हाइक पे, इस वजह से नाम रख दिया। कुछ भी बोल सकते हो गाइस आप इसको, बहुत सारे लोग एडवेंचर के लिए रेडी हो रहे हैं। रॉक्सी सीट, तो रॉक्सी को बैग टांग रहे हैं। रॉक्सी एडवेंचर के लिए रेडी है पूरा। रॉक्सी, रॉक्सी पेन 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 पेन। हाँ, ये हमारा रॉक्सी एडवेंचर के लिए पूरा तैयार हो चुका है। रॉक्सी चले। सो गाइस, को बैग स्ट्रेट लगा रहे, क्योंकि कुछ टाइम बाद हमारा बहुत लंबा ट्रैक होने वाला है। हाँ। इसी के साथ साथ हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, इसकी प्रैक्टिस भी। गुड, ये अच्छी हैबिट है यार, बहुत अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है। क्योंकि ऐसे कुत्तों को गाइस, अगर आप लोग इन कुत्तों को अगर अपने जिम्मेदारी में लेते हैं, तो आप लोग प्रॉपर ख्याल रखें कि इन कुत्तों के मन के हिसाब से एक्चुअली मतलब इनको ट्रेन करें। अगर इनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो ये कुत्ते बहुत एग्रेसिव होते हैं, जिनका आपको पता ही है इनका नेचर कैसा होता है। क्यों, सही कहा ना मनीष भाई? ठीक बोला आपने। ऐसा कुछ नहीं है कि रॉटवीलर काफी एग्रेसिव ब्रीड है, वो डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे ट्रीट करते हो। अच्छा, कैसे इसको मतलब कितना टाइम दे पाते हो आप इनको, इसी बेसिस पे। तो यार मैंने तो सुना था कि ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों ने बोला था कि रॉटवीलर ऐसा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मतलब। अच्छा, ऐसा डिपेंड करता है कि कैसे ट्रीट करते हो आप इसको। अच्छा, ये देखिए रॉक्सी, देख सकते हो रॉक्सी को, इसको वो बांधने की जरूरत नहीं है। Oh, 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 oh,
तो गाइस अभी हमारी रनिंग हो गई है, तो अब हम थोड़ा एक्सरसाइज और थोड़ा योगा करेंगे। चलिए फिर करते हैं, आप भी कर लेना अगर मेरी वीडियो देख रहे हो। तो गाइज अभी मैंने कर लिया योगा, तो अभी काफ़ी अच्छा लगा। इतना प्यारा सा नेचर हो और योगा करो तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो अभी पीछे जो आपको फैक्ट्री दिख रही है वो दिखाता हूँ अभी मैं आपको। तो फिर चलिए, तो अजय सिंह बताएंगे इस फैक्ट्री के बारे में आपको। मेरे आइडिया में ये बहुत पुरानी फैक्ट्री है, जो मैंने आपको बताया था 90s के टाइम की है, और उस टाइम गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था इसको, क्योंकि बहुत सारे रीजन थे और आई थिंक लॉस हो रहा था गवर्नमेंट को मोस्टली, और एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन के उससे भी हो सकता है रीजन था। लेकिन बाकी अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप लोग सिटी पिथौरागढ़ वगैरह और बहुत सारी साइटें हैं और यूट्यूब में वीडियो मिल जाएंगी। बहुत सारे यूट्यूबर है, क्रिएटर है, जिन्होंने इन चीज पर वीडियो बना रखी है। बाकी ये फैक्ट्री अब कंडीशन ऐसी हो चुकी है, आप लोग देख सकते। तो गाइज अगर ये फैक्ट्री अभी चल रही होती तो शायद अभी हमें जो ब्यूटीफुल सा नेचर है हम देख नहीं पाते, जो इतने पेड़ हैं यहाँ पे, तो शायद हमको देखने को नहीं मिलता। जो फैसला लिया पहले वो अच्छा लिया हमारे के लिए। गाइस लुक एट द व्यू, ये हमारी खूबसूरती पिथौरागढ़ की, तभी इसको मिनी कश्मीर भी बोलते हैं। देख सकते हो आप कितना प्यारा लग रहा है नीचे। रुको मैं आपको दूसरे कैमरे से दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ तक वीडियो देख लिए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नई वीडियो में, तब तक फिट रहो, खुश रहो।